हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल लेट्स कैट किड्स। कैसे आप सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे और समय से भी अपनी वर्कशीट यानी कार्यपत्रियों को कम्प्लीट कर रहे होंगे। सो आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास नर्सरी की वर्कशीट नंबर 86 को डिस्कस, जिसकी डेट है हमारे पास 30 नवम्बर। ओके, यहाँ पे आप अपना सेक्शन लिखेंगे एंड यहाँ पे अपने टीचर का नाम है, यहाँ पे अपनी सॉरी यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पे अपने टीचर का नेम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट को करते हैं स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक कहानी जिसका नाम है बुलबुल और पतंग। ठीक है, बुलबुल के घर के पास एक तालाब था। वह रोज तालाब में बतखों को तैरते हुए देखती थी। एक दिन सुबह ही से ही बादल छाए हुए थे। थोड़ी देर में बारिश होने लगी। बुलबुल ने देखा कि बतखें बारिश में भी तैर रही हैं। उसका भी बारिश में खेलने का मन हुआ। उसने अपनी बरसाती निकाल पर उसका बटन टूटा हुआ था। उसने अपनी बरसाती निकाली लेकिन उसका देखा कि उसका बटन जो है वो टूटा हुआ है। उसने अपनी माँ से बटन लगवाया और बरसाती पहनकर बाहर चली गई। बाहर उसने और भी बच्चों को बारिश में खेलते हुए देखा और वह भी उसके साथ मिलकर खेलने लगे। तो आपने इस कहानी में क्या नोटिस किया कि ज्यादातर वर्ड किससे स्टार्ट हो रहे हैं? बा से। ठीक है, तो आज की इस मतलब वर्कशीट में हम कौन से अक्षर के बारे में पढ़ेंगे? बा अक्षर के बारे में। जैसे कि देखिए, बतख, बादल, बटन, बरसाती, बारिश, बच्चे। ठीक है, बुलबुल भी था। ठीक है, इन्होंने बुलबुल नहीं दिया। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या है। आशा करते हैं कि आप सबको कहानी पसंद आई होगी। आप हम इस पर चर्चा करते हैं। तालाब में कौन तैर रहा था? बतके। बुलबुल किस में खेल रही थी? बारिश में। बरसाती का क्या टूटा हुआ था? बटन। बुलबुल ने किन्हें खेलते हुए देखा? बच्चों को। ठीक है, अच्छा बताओ इन शब्दों को बोलते समय आप सब कौन सी पहली पहली आवाज आई थी आपकी? बा आवाज। ठीक है, अब हम करते हैं अपनी थर्ड एक्टिविटी। क्या है हमारी? अब नीचे दिए गए चित्रों में से जो बा अक्षर से शुरू होता है उसमें हमें गोला लगाना है। ये क्या है? भेड़। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, सॉरी सॉरी, ये बकरी है। ठीक है, तो इस पे सर्कल करेंगे। ये क्या है? जहाज। इस पे नहीं होगा। ये क्या है? पेड़। इस पे भी नहीं होगा। ये क्या है? गाजर। इस पे भी नहीं होगा। ये क्या है? बिल्ली। तो इस पे होगा। ठीक है, ये क्या है? बर्फी। तो इस पे भी होगा। ये क्या है बताओ? बंदर। बंदर पे, बंदर भी बस से स्टार्ट होता है। ये क्या है बताओ? बस। बस भी बस से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आप इन पर सर्कल करेंगे। अब हमारी लास्ट एक्टिविटी देख लेते हैं हमारी क्या है। चलिए नीचे दिए गए बादल के चित्र में रुई चिपकाए या वाटर कलर से फिंगरप्रिंट करें। ठीक है, आपको इस तरह से रुई लेकर इसमें चिपकानी है या तो फिंगरप्रिंट से आपको व्हाइट कलर से इसमें कलर करना है। ठीक है, तो ये थी आपकी छोटी सी वर्कशीट। वर्कशीट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना।